इफ़ यू आर अ टीचर और आपके पास यदि लैपटॉप नहीं है तो भी इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप अपने मोबाइल के थ्रू भी अपनी क्लासेस ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ पढ़ाने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए, और यदि आपको स्क्रीन पे पढ़ाना है तो उसके लिए आपको एक वाइट बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। प्ले स्टोर में आप देखेंगे तो आपको वाइट बोर्ड के बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ मिल जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ही वाइट बोर्ड शेयर करूँगी जो कि मैं कुछ समय से यूज़ कर रही हूँ। तो शुरू करने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वाइट बोर्ड इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट वील गो टू ऐप स्टोर और वहाँ पर वील टाइप वाइट बोर्ड फॉर टीचिंग या फिर प्लेन वाइट बोर्ड। तो जब आप ये करेंगे तो यू कैन सी दीज मैनी ऑप्शंस दैट आर कमिंग ओवर हियर। नीचे थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है वाइट बोर्ड, और ये है बाय हैशड्रॉइड। तो इसे आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट इन माई फ़ोन, सो आई एम ओपनिंग इट। ये बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए और ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स के साथ ये कंपैटिबल है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। राइट में यू कैन सी पेन ऑप्शन, जिसका साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन कम्स बैकग्राउंड कलर, तो कौन सा बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट कलर ऑप्शंस, तो यू कैन चूज देम। इसके नीचे आएगा पेन कलर, तो पेन कलर आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। देन लेट्स सी, वी हैव सेलेक्टेड दिस कलर। अब हम इसको इरेज करेंगे। इसके जस्ट नीचे ये जो इरेज़र का ऑप्शन है, इससे हम इसको इरेज कर सकते हैं। और इसके अलावा इरेज़र के नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है अंडू का, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, उसको आप क्लिक करके ज़्यादा जल्दी इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वील जस्ट स्क्रिबल समथिंग। अब हम यहाँ पे अंडू के नीचे एक ऑप्शन आप देख रहे हैं क्लियर स्क्रीन का, जब इसे हम क्लिक करेंगे, जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो जो भी हमारे स्क्रीन पर है वो सारा यहाँ से इरेज हो जाएगा। अच्छा, इसके नीचे आ रहा है आपका सेव ऑप्शन, तो जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसको यदि आपको सेव करना है तो यहाँ इस ऑप्शन पे जाके यू कैन सेव इट। और इसके नीचे आ रहा है सेव ऑप्शन के नीचे आ रहा है गैलरी का ऑप्शन, तो यदि आप कोई इमेज यहाँ पर लेना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं और उस पर कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, जनरली फॉर साइंस सब्जेक्ट्स इसका हम यूज़ कर सकते हैं। गैलरी के नीचे ऑप्शन है कैमरा का, जिससे हम पिक्चर क्लिक करके वहाँ भी बता सकते हैं, जैसे किसी बुक का पिक्चर आप क्लिक कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन आप यहाँ पे कैप्चर करके शो कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक है हमारा सेटिंग्स और दूसरा है हमारा शेयर। सेटिंग्स यदि हम ओपन करें तो यहाँ पर यह आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वॉट आई हैव डन हियर इज़ ऑटो हाइड मेन्यू मैंने ऑन कर रखा है। Then comes enable undo on back press and switch to landscape mode. तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से switch कर सकते हैं। अच्छा, यदि हम switch करेंगे तो you can see ये थोड़ा सा alignment इसका disturb हो गया है, है ना। तो यदि आपकी clear screen है, जब आप starting में record करना शुरू कर रहे हैं उसी time आप या तो switch कर लें, that will be better, क्योंकि यहाँ से भी again if we are trying to switch back, yes, तो यू कैन सी जहाँ पे हम थे वैसे ही यहाँ पर आ गया है। तो यदि आपको स्विच करना है तो स्टार्टिंग में ही करना है, बीच में हम स्विच नहीं कर सकते हैं। नाउ सेटिंग्स के नीचे आपको मिल रहा है शेयर ऑप्शन, तो शेयर आप कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ ये एज अ पिक्चर शेयर होगा, नॉट एज अ वीडियो। आप जो भी यहाँ पर बना रहे हैं वो एज अ वीडियो शेयर नहीं होगा। तो यदि आपको ये वीडियो शेयर करना है रियल टाइम में विथ योर स्टूडेंट्स, तो गूगल मीट में हमें ऑप्शन मिलता है शेयरिंग का, और ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा तरीका है, यदि आप गूगल मीट से नहीं करना चाहते हैं, एक प्लेन वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर पे फिर आप ये वाइट बोर्ड ऑप्शन खोल के वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कैन एक्सप्लेन इट देयर। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट टू यूज़। ज़्यादातर जो एंड्रॉइड्स पे आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो उस वाइट बोर्ड पर ईजिली कर सकते हैं।
अब सपोज आपको जैसे कोई क्वेश्चन बताना है मैथ्स का सॉल्व करके स्क्रीन पर, वाइट बोर्ड स्क्रीन पर, तो आप हाथ से तो वो नहीं कर सकते हैं, ना ही इसमें आपका कोई माउस काम करेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास ग्राफिक टैबलेट है तो बस इतना करना है कि उसको कनेक्ट करना है अपने एंड्रॉयड के साथ विद द गिवन USB केबल, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा कनेक्शन करना है और आपको लिखना शुरू कर देना है अपने टैबलेट के ऊपर। तो रियल टाइम में वही चीज़ जो आप लिख रहे हैं टैबलेट पे, वो आपके वाइट बोर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेगा। इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड को पेन टैबलेट से कनेक्ट करके क्लासेस ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अपने मोबाइल के थ्रू ही अपनी क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको ज़रूर चेक करिए। अच्छा, वाइट बोर्ड का सिर्फ यही एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, आपको और भी वाइट बोर्ड्स मिल जाएंगे, आप उनके रिव्यूज़ और रेटिंग्स देख के उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर क्वाइट अ वाइल, और काम करते वक्त ये मुझे बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। दिस इज़ निधि, थैंक यू फॉर वॉचिंग।